तो ये मेरा चाव चाव है, इसको एक्चुअली मैं ना प्लांट बनाने के लिए ही लेके आई थी। तो इसमें ये देखिए, आप लोग गौर से देखिए, निकल रहा है ना। इसमें इसको बाहर ही रखे थे, फ्रिज में नहीं रखे थे, तो इसको बाहर ही छोड़ दिए थे, तो इसमें से ना निकल रहा है। तो अब मैं इसको कर देती हूँ इसमें प्लांट। तो मैं कोकोपीट और सैंड एंड सॉइल का मिक्सचर ली हूँ और इस तरह से इसको, तो देखते हैं अभी कितने दिन में अच्छे से मेरा ना निकलता है प्लांट। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ मैं। इसको रख देते हैं अब साइड में। शिया, ये क्या काम कर रही है? क्लीन हो गया अच्छे शिया? बस हो रहा है मैं। देखो अभी बेटू उठ के इधर आ गया। चेतू उठ के क्यों आया बेटा? उठ के क्यों आया? अंदर नहीं जाना बेटा। चेतू अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना। देखो इधर, अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना। मम्मी वॉश कर रही है ना, नहीं जाना। इसको कैसे कैसे इतना ही जगह में वॉश करना है, छोटा है इसलिए थोड़ा हो जा रहा है। सूख तो जाएगा, गर्मी इतना ज्यादा है ना। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कारपेट थोड़ा पतला वाला था, तो बाथरूम में अच्छे से क्लीन हो सकता था इस वजह से ना मैं उसको क्लीन करती हूँ। बहुत दिन से रखा हुआ था और इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, धूप इतनी ज्यादा हो रही है कि सारा चीज ना इतना जल्दी सूख रहा है। तो ऐसा ऐसा जो है ना, जो बहुत टाइम लगता है सूखने में, वैसे चीज को ना अभी वॉश कर देना बेटर है। तो मैं सोची वॉश कर देती हूँ। चेतू उस टाइम में सो रहा था, हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए थे, तो उसको वॉश कर दी हूँ अच्छे से एंड डाल आई हूँ बाहर में सूखने के लिए, एंड फिर मिल रही हूँ आप लोगों से। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो ऐसे ही एंजॉय करते रहिए लाइफ को, लाइफ है एंजॉय करने के लिए, मेहनत करने के लिए भी है, बट साथ में एंजॉय भी करना चाहिए। तो बस अभी जाती हूँ, थोड़ा लंच बनाती हूँ, बेटे को नहलाती हूँ, है ना चेतू? अभी तुरंत तो नहीं नहाएगा, जस्ट सो के उठा है, तो बेटू भी खाएगा और उसके बाद नहाएगा, है ना चेतू? तो ये सब करती हूँ एंड मोमेंट अभी घर पे ही है, अभी शायद लंच करने के बाद जाएंगे, तो फटाफट लंच बनाती हूँ एंड फिर आप लोगों से। आई क्यों बोल रहा बेटा? अरे बाप रे, तो हम लोग का लंच हो गया है एंड ये यहाँ पे बना रही हूँ मैं बटर मिल्क, बहुत सिंपल मैं बना रही हूँ। तो ये वाला ग्लास ली हूँ, जो आप नॉर्मल ग्लास पीते हैं ना वो वाला ग्लास, तो ये 300 ml का ग्लास है। तो इससे दो ग्लास मैं ली हूँ वाटर एंड सॉल्ट। सॉल्ट अपने हिसाब से डाल दीजिए, सॉल्ट थोड़ा ज्यादा रहता है तो इसमें अच्छा रहता है। और इसमें डालूंगी अभी मैं ये कर्ड,
ये मोमेंट मुझे सिखाए हैं कल सिंपल में कैसे बनाते हैं बटर मिल्क घर में, तो मैं वैसे ही बना रही हूँ, कुछ भी मसाला नहीं डाल रही हूँ इसमें। तो ये देखिए, दो एक ग्लास में ना ये दो चम्मच डाली थी, तो दो ग्लास में चार चम्मच डाल रही हूँ। चेतू बेटा, अरे चेतू, तो बस ये डाल दी हूँ और इसको मिक्स कर देते हैं। इसमें और भी कुछ डाल सकते हैं, जैसे कोरिएंडर है और जीरा पाउडर, जीरा पाउडर ना मोमेंट, तो इसमें डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, बट अगर रेगुलर घर में पीना है तो इतना इनफ रहता है। तो अम्मा ऐसे ही बनाती है, मुझे नहीं पता था, मैं नहीं बनाती थी, मैं फिर सभी चीज डाल वाल के बनाती थी, तो मोमेंट बोले ऐसे ही बनाओ, उतना ताम झाम नहीं जरूरत है करने का, और सिंपल में अच्छा सा टेस्ट आता। तो कल मैं बनाई थी, मुझे अच्छा लगा था, तो मैं सोची चलो आज आप लोग से भी शेयर करती हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा है ना, तो ये अच्छा है पीना। तो आप लोग भी गर्मी में आफ्टरनून में लंच करने के बाद जरूर बना के पीजिए, ये बहुत अच्छा रहता है। एंड जिनको भी पीसीओएस या पीसीओडी का प्रॉब्लम है ना, उनके लिए तो ये बेस्ट है, तो वो तो अपने रेगुलर डाइट में बना लीजिए कि इसको पीना है। पीछे से इसका बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। तो ये लीजिए मोमेंट, आपका खाना हो गया। ना उधर ही रहो, उधर ही रहो, उधर ही रहो, आ रहा हूँ। डराता है तुझे? भाई 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 बेटा भाई, उन लोगों डराता है पेरेंट्स का। ये देखो जा पीछे जा। लीजिए मोमेंट, आपका बन गया बटर मिल्क। मम्मी हमेशा उसका फैंस को दिखाते रहती, तो मुंह अच्छे से रखना चाहिए ना बेटा। खाया है तो मुंह तो गंदा होगा। ये दे रहा हूँ नशिया, हाँ दूधू दूधू बोल रहे, उसको मिल्क जैसा दिख रहा है ना। टेस्टी नहीं बेटा? अरे अरे बाप रे, देखो कितना प्यार है, वहां पे खड़े होने से वैसे ही करता है वो। वैसे ठीक है, आज का नमक हो गया, ठीक है मम्मी। तो नमक मैं कैसे बताऊं आप लोगों को, 1/4 चम्मच होता है ना। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देना, बट सच में बहुत अच्छा है। बात करना नहीं तो अच्छे तो। एंड मेरे पास ना ये है, तो इसमें आराम से दो लोगों का बन जाता है। इसमें मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, तो जरूर पीजिए, गर्मी में तो बिल्कुल पीना ही चाहिए। तो कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में दिखाई थी कि मैं बहुत सारे सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए डाली हूँ ऐसे ग्लासेस में, तो इसमें से बस ये फ्लैट बीन्स का है वो निकला है, और तीन मैं डाली थी जिसमें से दो ही निकला है। तो आप जब भी सीड्स डालो और वो जर्मिनेट हो जाए ना, तो वो अलग ही खुशी होती है, तो वैसी वाली खुशी मुझे हो रही है इसको देख करके। तो मैं देखती रहती हूँ, पानी भी डालती रहती हूँ उसमें। एंड सुबह सुबह ब्रेकफास्ट हो गया है, उसके बाद मैं यहाँ पे वो मोमेंट ना कोकोनट वाटर लेके आए थे, कोकोनट लेके आए थे एक्चुअली, वाटर वाला जो होता है वो पीने के लिए, तो ये मैं थोड़ा पी रही हूँ बैठ करके। चलिए फिर थोड़ा उन लोगों को भी दे देते हैं पीने के लिए। पी लो बेटा, खाने लगा।
नहीं आ रहा है तो ये कोकोनट में थोड़ा सा पानी बचा हुआ था, तो बेटू को बहुत मन हो रहा है पीने का, बार बार मांग रहा है, स्ट्रॉ से उसको नहीं हो रहा है, तो मैं ना इसको थोड़ा सा ग्लास में निकाल ले रही हूँ एंड फिर उसको दूंगी पीने के लिए, देखती हूँ पीता है कि नहीं। नहीं पिएगा तो फाइनली तो मैं ही पी लूँगी इसको। तो बेटू पी लिया है एंड अंदर का जो मलाई होता है वो मुझे बहुत पसंद है, बट इसमें बहुत थोड़ा सा है तो चलेगा वो भी। तो ये मलाई देखिए, बस इतना सा, एक या दो चम्मच ही निकल रहा है इसमें से मलाई, तो इट्स ओके, बट थोड़ा सा और रहता है ना तो बहुत मज़ा आता है, वो वाला खाने में बहुत स्वीट सा अच्छा सा लगता है, तो मैं तो बहुत खाती हूँ वो। एंड जब भी पीते हैं, इवन मोमेंट भी साथ में पीते हैं, तो उनका भी मैं ही खा जाती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है वो। तो ये तो हो गया, वाटर पी ली, कोकोनट वाटर पी ली। एंड चलिए फिर, आप लोग को कुछ दिन पहले मैं बताई थी कि चेतू के लिए ना जो अखरोट तोड़ के रखी थी उसको मैं यूज़ करके कुछ बनाऊंगी। तो यहाँ पे ना रात को ही बादाम एक हाफ कटोरी जो होता ना वो मैं रख दी थी फूलने के लिए, एंड सुबह उसका छिलका उतार के उसको रोस्ट कर ली हूँ। एंड हाफ कटोरी ही ना फिर मैं ये भी ले ली हूँ अखरोट भी, एंड साथ में ना काजू जो ना थोड़ा सा मेरे पास बचा हुआ था, अगर और रहता तो वो भी मैं हाफ कटोरी ही लेती, बट थोड़ा सा था तो मैं वो ही मिक्स कर दी हूँ। पिस्ता भी आप ले सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं ली हूँ वाटरमेलन सीड एंड पम्पकिन सीड, वो सिर्फ एक एक टेबल स्पून ली हूँ। एंड यहाँ पे सबसे ज़रूरी है जो मैं मखाना ली हूँ ना, ये चार हाफ हाफ करके जो ली हूँ ना उसका चार मात्रा में ली हूँ, यानी कि मैं दो कप के आसपास ली हूँ, ताकि ना वो अगर जब मैं पीसूँ ना तो उसका एकदम से ना ऑयली वाला एकदम से चिपचिपा सा पाउडर नहीं बनता है, अगर वो डाल देने से ना पाउडर बहुत अच्छे से बनता है, तो इसलिए मैं वो डाल करके ये देखिए पाउडर बना ली हूँ बहुत अच्छे से। एंड इसको अब जब भी चेतू को कुछ भी बना के दूंगी ना थोड़ा प्योरी टाइप का, तो उसमें मैं एक एक चम्मच मिक्स कर दूंगी और उसको दे दूंगी, क्योंकि ऐसे तो वो ड्राई फ्रूट्स खाता नहीं है, तो इन सब चीज़ों में मिक्स कर करके मैं उसको दे दूंगी। मुझे भी कभी पीना होगा दूध तो वो मिक्स करके पी सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो मैं पहले थोड़ा थोड़ा बनाई थी देखने के लिए कैसा होता है, तो अभी थोड़ा ज़्यादा बना ली हूँ और ये बहुत दिन चलेगा। इसको मैं फ्रिज में नहीं रख रही हूँ, इसको बाहर ही रख रही हूँ, सिर्फ पानी से थोड़ा दूर रखिए, एंड जब ये पीसिए ना, जब ठंडा हो जाए तब उसको बॉटल में रखिए। तो चलिए फिर आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, एंड चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बाय।